स्वस्थ रहने को मुरादाबाद के घर घर में हुआ योग। मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के साथ लोगों ने किया योगा अभ्यास। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मंगलवार को यूपी के सभी 75 जिलों में करोड़ों लोगों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लेकर विश्व को संदेश दिया। जनपद मुरादाबाद जिले में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कंपनी बाग में खास आयोजन किया गया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम में मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास तथा अल्पसंख्यक विभाग धर्मपाल सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विश्व योग दिवस पर मंगलवार को मुरादाबाद जिले में शहर से लेकर गांव तक योगा अभ्यास किया गया। इसमें लाखों लोग जुड़े। ग्राम पंचायतों, स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों सहित लोगों ने घरों में भी योग किया। मुरादाबाद के कंपनी बाग में मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास तथा अल्पसंख्यक विभाग धर्मपाल सिंह के साथ राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम, महापौर विनोद अग्रवाल और दूसरे जनप्रतिनिधि व अधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें कि योग दिवस ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए मुरादाबाद जिले में अमृत योग सप्ताह के तहत अलग अलग जगहों पर शिविर लगाकर योगाभ्यास कराया जा रहा है। आज भी कई स्थानों पर योगाभ्यास किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि इस मौके पर महानगर अध्यक्ष भाजपा धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, नगर आयुक्त संजय कुमार चौहान, एडीएम फाइनेंस, एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट एमपी सिंह, एसडीएम सदर प्रशांत तिवारी, एसीएम राम बहादुर सिंह आदि तमाम जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक और शहर के तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज आपने यहाँ देखा कि पूरे जनपद में बड़े ही हर्षोल्लास से इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को हम लोग मना रहे हैं। और ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर थी वो सभी के सामने आई है। और इसके माध्यम से न केवल हमारा शरीर बल्कि हमारा मन भी स्वस्थ होता है, हम प्रसन्न रहते हैं। और देश के उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए ज़रूरी है कि हमारी सकारात्मक सोच हो। तो मैं इस अवसर पर जो भी आज पूरे जनपद के लगभग 8 लाख से अधिक लोगों ने योगा किया है, उन सभी को बधाई देता हूँ। जो किसी कारण से नहीं कर पाए हैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो नियमित योगा करें, जिससे अपने तन मन को स्वस्थ रख सकें। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, जो देश में देश का योग का संदेश दुनिया में देने का काम किया है। और आज इस योग दिवस पर व्यष्टि से समष्टि की ओर, व्यक्ति को समाज की ओर जाना, समाज से देश, देश से राष्ट्र को जोड़ने का काम योग ने किया है। और योग हमारे भारतीय सभ्यता में रचा बसा है और योग से ही सारी क्रियाएं सिद्ध होती हैं, योग से ही सारे काम सिद्ध होते हैं। योग हमारे देश को और व्यक्ति को महान बनाने का काम कर रहा है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आपके चैनलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देना चाहता हूँ। सर, कितना कामयाबी हासिल हुई है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा को स्पेशल किया था और इसके बाद से अब तक? देखिए, मैं समझता हूँ कामयाबी से ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई है इस पर। इसको जितना कहा जाए कम पड़ता है। आज आम जन, आम नागरिक के मन में योग घुस गया है और योग से लोग समझ रहे हैं योग ही हमारी तरक्की का साधन है, योग से हमारा मन ठीक होगा और योग से तन ठीक होगा। जब मन और तन व्यक्ति का ठीक होता है तो विकास होता है और विकास से वो आगे बढ़ता है। सर, कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं मनाया जा रहा था, बट इस बार मनाया गया है, क्या? आपने विषय अच्छा लिया है। कोरोना महामारी थी और इस महामारी को दूर करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने किया। जब कोई निकल नहीं रहा था घरों से तो माननीय प्रधानमंत्री जी निकले और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने निकलकर दवा और सारी चीज़ों का प्रबंध किया। मैं फिर बधाई देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने दुनिया में पहले WHO वैक्सीन बनती थी दुनिया के बाहर, दुनिया में आज देश में वैक्सीन बनाकर ऐसा कोई देश का नागरिक नहीं है जिसको फ्री सुविधा नहीं मिली हो। वैक्सीन भी फ्री लगाने का काम किया, जिसकी 250 रुपये इंजेक्शन की कीमत थी उसको माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश की जनता को फ्री देने का काम किया है। धन्यवाद।